जी बी पटवारी जी, स्वागत आपका। जी जीतू जी, यहाँ पर कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण होने के बाद जो यहाँ पर तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें, जीतू पटवारी जी क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ जी। जो तस्वीरें सामने आई हैं, सोनिया गांधी की बात करें, मायावती की बात करें, यहाँ पर एक दूसरे का हाथ थामे हुए, एक दूसरे का सिर एक दूसरे पर रखे हुए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि तीसरे मोर्चे का विकल्प निकाला जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस और जो BSP है उसके गठबंधन की बात यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी चल रही है, और 2019 में लोकसभा जब चुनाव होंगे तो उसमें तीसरे मोर्चे की बात तो चल ही रही, तो क्या मान लिया जाए कि आप हाथ मिलाने की तैयारी में हैं? फिर देश के लोकतंत्र को और देश की अस्मिता को बचाने के लिए आज जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताविहीन हो, और ये भी जरूरी है ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो मत है ये बचने से रुके। ये आज का मंच था कर्नाटक के विजय का, वहां के लोकतंत्र को बचाने का जी। पर भविष्य में जिस तरीके से देश में हालात बन रहे हैं, जरूरी हुआ कि पूरे देश का विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा, और यही संकेत इस मंच से दिखते हैं। तो ये संकेत आप मान रहे हैं, इसका मतलब ये बात साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश में आप मायावती से गठबंधन करने जा रहे हैं? इसका मतलब है कि ये बात साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश की सत्ता से शिवराज सिंह जी को यहाँ से बेदखल करना है मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए जी। तो आपको क्या लगता है कि 2018 में जब साल के अंत में चुनाव होंगे तो फायदा आप ही को मिलने वाला है, वो भी गठबंधन के साथ? नहीं, बात हमने गठबंधन की अभी नहीं कही, ये अपरिपक्व बात हो जाएगी, पर ये जरूर है कि कोई भी तरीका हो। लेकिन ये जो तस्वीर आई है वो तस्वीर तो बहुत कुछ कहती है जीतू जी। जीतू जी, तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। तस्वीर जो सामने आई है सोनिया गांधी और मायावती की, तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीरें मैंने कहा देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे जी, तो सार्थकता दिखेगी। अभी प्रदेश की बात करना थोड़ी जल्दबाजी। जीतू पटवारी जी, हमारा ये कहना है कि सोशल मीडिया पर इसी तस्वीर को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे के सिर पे सिर रखे हुए, ये दोनों का मिलना पसंद कर रही है। तो आप भी मान रहे हैं ना कि लोगों को मिलना पसंद कर रहे हैं, मतलब आप और पहले से ही दिल मिल गए हैं, और आप अब तैयारी में हैं 2018 मध्य प्रदेश और 2019 लोकसभा। मैंने जैसा कहा ये विजय कर्नाटक में लोकतंत्र की थी, उसका मंच था, बाकी चीजों पर अभी बात करने का मैं समझता हूँ सही समय नहीं।